हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प की प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है उसमें जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए हैं सेकेंड स्टेज एग्जाम के लिए, तो मैं आपको उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो किस जोन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया, तो वो 83,309 कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मिला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, किस जोन में। तो आप इस वीडियो को देखते रहे फ्रेंड अंत तक, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं सारे जोन में। तो मैं आपको सारे जोन की डिटेल्स आपको बताऊँगा कि किस किस जोन में कितने कितने जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है वो सेकेंड स्टेज के लिए जो है पटना में जो वो 7,486 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जबकि अजमेर जोन में जो है वो 32,321 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो इलाहाबाद जोन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, 83,309 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। इसके लिए 364 पेज लगे हैं दोस्तों। तो मैं इसका एक आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। इलाहाबाद कैंडिडेट में 83,309 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो आप देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रूफ, ये रहा प्रूफ। ये टोटल कैंडिडेट ऑफ शॉर्टलिस्ट है, यानी 83,309 जो कि इलाहाबाद का है। तो मैं आपको इसका ऊपर दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर, और तो इसमें जो है 83,309 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। ये देख सकते हैं आप, इलाहाबाद जोन का है ये फ्रेंड्स। इसमें जो टोटल जो पेज लगे हैं रिजल्ट को देने में, वो 364 पेज लगे हैं देने में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और दूसरे जोन्स की। तो मैंने इलाहाबाद तक आपको बता दिया। तो बेंगलोर की बात करें फ्रेंड, तो बेंगलोर में 36,903 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल में जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया उनकी संख्या 35,086 है, और इसमें 128 पेज लग गए थे रिजल्ट देने में। और बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में 28,889 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और बिलासपुर की बात करें, तो बिलासपुर में 29,807 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में 25,005 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और रांची जोन की बात करें, तो रांची जोन में 41,859 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज, जो कि आपने ऊपर भी देखा होगा। तो ये सारे सेकेंड स्टेज के लिए है फ्रेंड। तो सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट मुजफ्फरपुर में जो है वो 6,776 कैंडिडेट है। इसमें 30 पेज सिर्फ लगे थे रिजल्ट देने में, और यहाँ पे संख्या काफ़ी कम है। मुजफ्फरपुर में 6,676 है, जबकि मालदा डिवीज़न में 13,358 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। और कोलकाता में 30,629 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम के लिए। और मुंबई की बात करें, तो यहाँ पे 53,074 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 227 पेज लगे थे। ये सेकेंड लार्जेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन है मुंबई में, इलाहाबाद के बाद। अब बात करते हैं गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में सिर्फ 10,325 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में जो है वो 24,952 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और सिकंदराबाद की बात करें, तो यहाँ पे 68,796 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेकेंड लार्जेस्ट है 68,796, और थर्ड लार्जेस्ट मुंबई, और पहला पे इलाहाबाद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला है। तो बात कर लेते हैं अब सिलीगुड़ी की। तो सिलीगुड़ी में सबसे कम 6,238 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, और ये सिर्फ 29 पेज में इसका रिजल्ट आ गया था। तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो सबसे कम जो है सिलेक्शन, वो सबसे तिरुवनंतपुरम में हुआ है, 5,093 कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट किया गया है, सिर्फ 23 पेजेस में लगे थे रिजल्ट देने में। फ्रेंड बात करते हैं सेकेंड स्टेज एग्जाम की, इसको जो रीशेड्यूल कर दिया गया है। ये पहले एग्जाम नवंबर में होना था, जो कि अब दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में ये 12 दिसंबर से 14 दिसंबर में लिया जाएगा, 12 से 14 दिसंबर 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज सीबीटी एक टेस्ट होगा। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग इसके बारे में जान सकें। तो फ्रेंड, आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखिएगा, बिल्कुल इस तरह से इसे दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।